बीते दिनों पश्चिम बंगाल में छात्रों पर हुए अत्याचार के विरोध में रविवार को गोलघर स्थित चेतना तिराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि ममता सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपना रही है। छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कराया, जिसकी वजह से 3 छात्रों की मृत्यु हो गई, जिसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद घोर निंदा करता है और ममता सरकार के माध्यम से दोषियों पर उचित कार्यवाही की मांग किया। जब तक दोषियों पर उचित कार्यवाही और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर भारी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शांतनु श्रीवास्तव ने कहा, हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे भाई हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, हाय 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 हाय, बंदा तेरी ताना चाहे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंदा तेरी ताना है नहीं चलेगी, कत्ताओं की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, परिषद जिंदाबाद। शांतनु श्रीवास्तव। हर दिन पहले की घटना है, हम सभी को पता है, पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में द्रवित हाई स्कूल में विद्यार्थियों ने जब अपने लिए बंगाली माध्यम के शिक्षकों की मांग की, वो हाई स्कूल था, वहाँ के सामान्य विद्यार्थियों ने तुष्टिकरण की नीति को अपनाते हुए ममता बनर्जी की सरकार ने उस विद्यालय में जबरदस्ती उर्दू के शिक्षक थोपे। इस बात से दुखी होकर जब वहाँ के विद्यार्थियों ने उसको एक धरने का रूप दिया, उसको एक उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो ममता सरकार ने छात्रों की आवाज़ को कुचलने के लिए ना केवल पुलिस द्वारा उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कराया, बल्कि उन पर खुली फायरिंग भी कराई पुलिस के द्वारा। इस दुखद घटनाक्रम में 3 विद्यार्थियों की मौत हुई, 2 उसमें अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी रहे, और इसलिए विद्यार्थी परिषद वहाँ की ममता बनर्जी सरकार से ये मांग करती है कि उस जिले के पुलिस अधीक्षक को हटाकर उनको निलंबित कर उन पर जांच कराई जाए और उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है करी जाए, अन्यथा परिषद इस पूरे मामले के अंत तक, जब तक कि दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता है, अपने संघर्ष जारी रखेगी। और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आज देश भर के सभी जिला केंद्रों पर हम उनका पुतला दहन करके अपना यही विरोध प्रदर्शन प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथियों को तृप्त करने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण को नीति को अपनाई है, शिक्षा का इस्लामीकरण करने की ओर वो कदम पे कदम बढ़ाए जा रही हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित करना, छात्रों को प्रताड़ित करना, शिक्षा व्यवस्था में लगातार गिरावट, पश्चिम बंगाल सरकार की आए दिन यही खबरें हम सब के बीच आती रहती हैं। इसलिए परिषद ये मांग करती है कि ममता बनर्जी सरकार अपनी तुष्टिकरण की नीति को छोड़कर इस घटना के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे और जो पीड़ित हैं उनके परिवार को न्याय दिलाए।